राधा जी किशोरी जी साथ में हैं, यानी कृष्ण प्रेम की वो धारा बह रही है। दीनता से भगवान के वियोग के ताप में जलती हुई गोपियां अपने विरह की व्यथा को शब्द देह देती हैं, गाती हैं, वह है गोपी गीत। आइए कुछ श्लोकों का गान करें। गोप्यवोचु जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः जयति तेधिकम् जिनके पास भी पुस्तिका हो भक्ति सुधा देखते हुए गाए, सबने गाना है। जिनके पास न हो वो सुन करके गाए। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यतां दिक्षु तावका दैत दृश्यतां दिक्षु तावका स्त्वय धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशय साधु जात सत् शरदुदाशय साधु जात सत् सरसे जोदर श्री मुषादृशा सरसे जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद वरद निघ्नतो नेह किं वद जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः। हे प्यारे, तुम्हारे इस ब्रज में आने से ब्रज की शोभा बढ़ गई। ब्रज सुंदर था लेकिन तुम आ गए तो उसकी सुंदरता बढ़ गई। जब से तुम आए हो इंदिरा रमा लक्ष्मी यहीं निवास करती। हे दयालु, हमें दर्शन दो, हमारे प्राण तुम्हारे में लगे हुए हैं, हम तुम्हारा ही चिंतन करती हैं। शरद ऋतु के स्वच्छ सरोवर में खिले हुए कमल की लालिमा को जिन्होंने चुरा लिया है, वैसे तुम्हारे नेत्र लाल लाल कमल लोचन हो। जब उन नेत्रों से तुम हमको देखते हो तो तुम्हारी दृष्टि हमारे दिल के आर पार हो जाती है, हमारे दिल को बींद कर चली जाती है, घायल करती है। अब इस प्रकार वियोग में हमको तड़पा रहे हो, यदि इसी तरह से मारना था तो उस वक्त तुमने हमको क्यों बचाया? कब कब? बोले अनेकों बार हमारी रक्षा करी है तुमने। विष जलाप्यया व्याल राक्षसात् विष जलाप्यायाल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानला वर्ष मारुतात्
वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात्। ऋषभते वयं रक्षितामुः, ऋषभते वयं रक्षितामुः। काली के विष से, विष वाले जल से, अग्नि से, दावाग्नि से, वर्षा से, इंद्र के कोप से, अनेक असुरों से तुमने अनेकों बार हमारी रक्षा करी, तो उस वक्त हमको क्यों बचाया? मर जाने देते? और यदि उस वक्त तुमने हमको बचाया तो इस वक्त अपने वियोग में क्यों तड़पा तड़पा के मार रहे हो? हम जानती हैं तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, तुम प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाले नारायण हो। न खलु गोपिका नंद नो भवान, न खलु गोपिका नंद नो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेवान सात्वतां कुले, सख उदेवान सात्वतां कुले। तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, तुम प्राणी मात्र के हृदय में बसने वाले नारायण हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से गुप्त रूप से तुमने सात्वत कुल में जन्म लिया है। भय को मिटाने वाला और कामना को देने वाला तुम्हारा कर सरोरुह हे कांत हमारे मस्तक पर रखो, ताकि हमारी कामना पूर्ण हो जाए। कामना क्या है? तुम्हारे मुख कमल का दर्शन करने की। हे ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले गर्भगंजन, हम तुम्हारी दासियां, तुम्हारी तुच्छ दासियां तुमको भजती हैं, प्रकट हो जाओ, मुख कमल का दर्शन कराओ। तुम तो कृपा करके मिले ही थे हमको, लेकिन हमारे ही अपराध, हमारे ही पाप के कारण हमने तुमको गवाना पड़ा। उन पापों को मिटाने के लिए हम तुम्हारे ही चरणों में प्रणाम करती हैं, क्योंकि तुम्हारे ये चरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम्, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम्, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम्, कृणुकुचेषु नः त्रुन्धिरुच्छयम्, प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले ये चरण कैसे हैं? चरण गायों के पीछे पीछे चलने वाले ये चरण साधारण चरण नहीं है,
लक्ष्मी के निवास स्थान रूप ये चरण। वैसे तो लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसी, भगवान ने अपने वक्ष में स्थान दिया है लक्ष्मी को, लेकिन वो लक्ष्मी भगवान के चरण में रहना चाहती है, तो वक्ष से अलग होकर के भगवान के चरण में गिर पड़ी। इन चरणों में लक्ष्मी का निवास। ये चरण फणिफणा अर्पितम, कालिया की फणा पर अर्पित है। वो हमारे हृदय में अर्पित करो। कालिया तो दुष्ट था, फिर भी तुमने उसके मस्तक पर अपने चरणों को पधराया। हम क्या कालिया नाग से भी गई गुजरी हैं? हमारे हृदय में नहीं पधराओगे अपने चरणों को? शायद भगवान कहे, अरे पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे दिल में तुम्हारे हृदय में क्यों पधराऊंगा मैं अपने चरण? काली के मस्तक पर तो इसलिए पधराया था कि उसका निग्रह करना था। तो गोपियां कहती है, अरे ओ नाग नथैया, यदि नाग के निग्रह का इतना ही शौक है तो फिर हमारे हृदय में भी दो दो सर्प है, दर्प और कंदर्प। ये दो सर्प है, दर्प अभिमान, कंदर्प काम, ये हमारे हृदय में रहते हैं। यही भक्ति मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए अपने इन चरणों को हमारे हृदय में पधराओ कि दर्प और कंदर्प नाम के ये जो दो सर्प है ना, उसका निग्रह करके तुम बाहर निकाल फेंको, ताकि हमारे हृदय की भावना शुद्ध हो जाए। मधुराया गिरा वल्गु वाक्यया, बुध मनुग्नया पुष्कर क्षण, विधि करी रिमा वीर मुहियति, रधर से धुना प्यायस्वनः, तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारे वल्गु वाक्य। वल्गु वाक्य का अर्थ है गूढ़ार्थ से भरे हुए वाक्य, जिसको बुद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं। अब भगवान के गीता के वचन देखो, वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, वही तो है गीता, श्री कृष्ण वाक्यानि। कितने गूढ़ार्थ से भरे हुए हैं। जो बुद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वही उसका रहस्य समझते हैं। पुष्करे क्षण, कमल नयन, या तो पुष्करे कमले हृदय कमले इक्षण दृष्टि ही यस्य स, जिनकी दृष्टि हृदय पर है। भगवान काया के सौंदर्य को नहीं देखते, भगवान तो हृदय के भाव सौंदर्य को देखते हैं। तो तुम हमारे भावों को जानते हो, प्रकट हो जाओ और हमें अपनी अधर सुधा का पान कराओ। यदि तुम पूछो कि तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है तो तुम्हारे वियोग में मर क्यों नहीं गई, हम अभी तक जिंदा क्यों हैं? हाँ, हम जिंदा हैं, मर नहीं गई तुम्हारे वियोग में। क्यों? इसका कारण हम बताती हैं, जानो। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरीडितम कल्मषापहम, कवि भीरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम।
शंभु विगृणन्ति ते भूरिदा जना तुम्हारे कथारूपी अमृत को पी करके हम जिंदा हैं। इस कथामृत ने हमको अमर बना दिया। तुम तो मार ही डालते अपने वियोग में, तुम्हारी कथा रूपी अमृत ने हमको जिंदा रखा। तुमसे तो तुम्हारी कथा श्रेष्ठ।